नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। प्रदेश भर में लचर स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलित है। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंदुपाल आर्य ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों को रोक पाने में नाकाम है। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी है, वेंटिलेटर नहीं है और लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। देखिए, इस जो महंगाई बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारे जगह जगह इस सरकार को जताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। आज जिस तरीके से देखो, पेट्रोल और डीजल के दाम जो 50 थे आज दुगने होने लग गए हैं, और जो सरसों का तेल था जो 60 रुपये में था जो पिछले सरकार में, जो हम कांग्रेस सरकार थी 14 में, तो आज इन्हें 7 साल में 200 कर दिया। दाल के दाम जो 70 थे आज इन्हें 170 के लगभग लिया है। बिल्कुल सारे जो रेट हैं इन्हें सब बढ़ा दिए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई खा रही है, और इस कोरोना काल में जो गरीब आदमी है काम में नहीं जा पा रहा है, और ना उसका सारा काम जो डेली मजदूरी करता था वो मजदूरी भी कम बिल्कुल ही घर बैठ गया, और उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। लालको कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र बेरी पड़ाव स्थित गोला गेट में पिछले लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां कल देर शाम लालकुआ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में एसओजी और लालकुआ पुलिस की संयुक्त टीम ने बेरी पड़ाव के कुखरी खत्ता क्षेत्र में छापेमारी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने पैसे भी बरामद किए हैं। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी पड़ाव में कुछ लोग जो है वहाँ पर अवैध जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी जो एसओजी की टीम है और हमारी हल्दूचौड़ पुलिस ने मिल करके वहाँ पर कार्रवाई करी, और उसमें 7 अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया है, और हमने जो है 97,400 रुपये उनके फर्ज से जुआ खेलते हुए बरामद किया है। हरिद्वार हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी सिडकुल ने आज जिलाधिकारी सी रविशंकर को उनके कैंप कार्यालय रोशनाबाद में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंस्ट्रूमेंट CSR मद से जनसेवा के लिए भेज किए। जिलाधिकारी ने कंपनी के द्वारा किए गए इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह का सहयोग सिडकुल की कंपनियां कर रही हैं, ये स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए कंपनी की ओर से ये एक स्थायी सहयोग है जो लंबे समय तक कार्य करेगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ये एक राहत देने का भी काम करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड के ओर से लगातार एंटायर कोविड काल में, पिछले फर्स्ट वेव में भी और अभी वर्तमान जो परिस्थितियों में भी, लगातार जो है हमें काफ़ी मात्रा में CSR सपोर्ट करते आए हैं। आज जो है 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं, जिसको हम लोग हमारा क्षेत्रीय हॉस्पिटल्स जैसे CHC है, PHC है, वहाँ जो है पहुँचाने का निर्णय लिए हैं। तो ये हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड कोविड मैनेजमेंट का जो अप्रोच है उसके लिए काफ़ी बड़ा राहत और मददगार रहेगा, जिसके लिए मैं HUL को जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में शहीद हुए ऋषिकेश के सपूत राकेश डोभाल की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने आज गंगानगर में शहीदी स्मृति द्वार का विधिवत पूजा अर्चना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि शहीद की स्मृति में बनने वाला ये द्वार युवा पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। गंगानगर में 4 लाख रुपए की विधायक निधि से निर्मित होने वाली शहीदी स्मृति द्वार का शिलान्यास शहीद राकेश डोभाल की 10 वर्षीय सुपुत्री दित्य डोभाल ने नारियल फोड़ कर किया। जो 13 नवम्बर 2020 को बारामूला में शहीद हो गया था, और उस समय हमने संकल्प लिया था कि उसके याद में हम लोग एक द्वार यहाँ बनाएंगे, और क्योंकि शहीदों के देखो हमेशा यही कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर रोज मेले, वतन पर मरने वालों का यही बात ही निशा होगा। तो इस प्रकार का कुछ हम लोग करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे प्रेरणा मिल सके और उनकी याद चिरायु हो सके। तो आज उस गेट का शिलान्यास उनके परिवारजनों के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने किया है,
और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी जब सुंदर गेट बनेगा तो आने वाले लोग जो इधर से गुजरेंगे उनको दिखेगा कि एक जो हमारा युवा था डोभाल उसको किस प्रकार से उसने बलिदान दिया था उसके उल्लेख भी हम लोग करेंगे। आज रावली महदूद के लोगों ने भीख मांग कर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कुंभ मेला 2021 के आयोजन के दौरान भी व्यापारियों की दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से व्यापारियों की आज भूखे होने की स्थिति हो गई है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था, जिससे 1 जून से बाजार खोलने का उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन व्यापारियों की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। आज हरिद्वार में नाराज व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ भीख मांग कर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मेरा नाम देवेंद्र पाल है, मैं ब्रह्मपुरा में रहता हूँ, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। हमें सरकार से इतनी उम्मीद थी 1 जून को कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुल जाएगा, दुकानें खोलने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण सभी व्यापारी आज इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भीख मांग करके सरकार का विरोध जता रहे हैं। अब छोटा व्यापारी क्या करेगा, दुकानों को किराया भी देना होता है, जो कोई भी दुकान मालिक किराया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिजली का बिल सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं से भी हम किसी राशन की दुकान पर जाते हैं या किसी मेडिकल पर जाते हैं, अब बीमारियाँ चल रही हैं, हमें भी कुछ ना कुछ बच्चों को कब बीमारियाँ हो जाती हैं, तो कोई उधार तक देने के लिए तैयार नहीं है। हम खाने की मोहताज हो गए हैं आज के टाइम में, कहाँ से पैसा लाएंगे, 2 महीने से हम खाली बैठे हुए हैं, दुकानें बंद हैं। हजारा ग्रंज के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में हुई धांधली और शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर रोशनाबाद शिक्षा अधिकारी कार्यालय से है, जहां हजारा ग्रांट के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में हुई पैसों की धांधली को लेकर शिक्षा अधिकारी विद्या शंकर चतुर्वेदी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापिका भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी को लेकर विवादों के घेरे में आ गई थी। स्कूल के ही अध्यक्ष ने प्रधान अध्यापिका पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से सरकार के धन को गबन करने की गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते मामला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान तक पहुंच गया। इस संदर्भ में वहां के पूर्व अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की एप्लीकेशन कंप्लेंट मुझे मिली थी और वहां के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी उसके बाद एक लिखित पत्र दिया है इसी संदर्भ में। ये जांच उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद को हमने दी है। उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद की जांच मिलने के उपरांत इसमें जांच आख्या के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीआरडीओ द्वारा हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदर हृदयेश भी मौजूद रहीं। अस्पताल में 375 बेड ऑक्सीजन, 125 आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की सुविधा है। ये अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस है। इसका नाम जनरल विपिन चंद्र जोशी के नाम पर रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुमाऊं के सीमांत जिले के मरीजों को जिस तरीके से इलाज कराने के लिए हल्द्वानी आकर अस्पतालों में भटकना पड़ता था, इस कोविड अस्पताल के बनने के बाद उनको काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।